वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिम। सर आप मुझे ये बताइएगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपको क्या लगता है आईटी सेक्टर जो है वो किसका इम्प्रूव है, बेहतर है और अच्छा है? आईटी सेक्टर में तो इंडिया हमारे से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। अगर हमारे बच्चे भी अगर आईटी यूज़ करते हैं तो जो है कि हम कहते हैं कि ये बुरा इफेक्ट पड़ेगा, जबकि उसके अलावा उसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। अगर हम बच्चों को ग्रोइंग एज से ही उसको उनको बताना शुरू करें, जैसे अब चाइना है और ये इन कंट्री के साथ हमारा मुकाबला तो नहीं है, पर हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। आईटी सेक्टर जो है ज़्यादा इम्प्रूव किसका है, इंडिया का या पाकिस्तान? इंडिया का है। इंडिया का। आपको क्यों लगता है, क्या वजूहत है इसके पीछे की? इसके पीछे की वजूहत ये है कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे, हम लोग टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान फिर क्यों टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया, जबकि आप देखा जाए तो आईटी सेक्टर अच्छा हो, एजुकेशन हो, तो बच्चे तो खुद बहुत ग्रो करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसमें है हमारी जो है निज़ाम हुकूमत की वजह से, कि हमारी हुकूमत अगर ये चीज़ें लाजमी करेगी तो जितने भी हमारे अदारे हैं उनमें ये आईटी सिस्टम लाजमी किया जाएगा। हमारे तो आजकल जो अदारों में है उधर अभी तक कागजी निज़ाम चल रहा है, अगर वहाँ पर कागजी निज़ाम ना हो तो इंशाल्लाह हमारा आईटी सिस्टम बेहतर होगा। इंडिया का जो आईटी सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन है, चाहे उनकी एजुकेशन का है, चाहे उनके गवर्नमेंट अदारों का है, चाहे उनका कोई भी सिस्टम है, वो आईटी मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे निकल गया। क्या नाम है आपका? बिलाल संधु। सर आप मुझे ये बताइएगा, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, आपको क्या लगता है आईटी सेक्टर किसका ज़्यादा इम्प्रूव है? ऑफकोर्स इंडिया का। आपको इसके पीछे की वजूहत क्या लगती हैं? ये बुझना पड़ेगा। मतलब आपको क्या लगता है कि हमारा पाकिस्तान पीछे है और इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया हुआ है? बेसिक इंडिया की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी जदीद है, हमारे इधर थोड़े सी ना अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के हवाले से, तो ये चीज़ें देखनी चाहिए इनको आगे आने के लिए। ये यही है कि उन्होंने भी अपने बच्चों से यानी कि स्कूलिंग लेवल से ही उनको आईटी के मुतालिक बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे जब हम शायद मैं अपनी बात करूं तो हमने भी जाके मैट्रिक में जाके हमें पता लगा था कि कंप्यूटर भी कोई चीज़ है, अदर उससे पहले हमें पता भी नहीं था कि कंप्यूटर भी कोई चीज़ होती है या उसके मुतालिक भी कोई ऐप्स हैं। अब जैसे एंड्रॉयड फ़ोन हैं और अब हमारी हुकूमत क्या कर रही है कि जो एंड्रॉयड फ़ोन है उनसे हमें बहुत कुछ हासिल होता है कि हम उस टेक्नोलॉजी को समझना शुरू करते हैं, बहुत सी ऐप्स हैं जो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, पर अब क्या उन्होंने टैक्सेस इतने ज़्यादा कर दी हैं और इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि अमीर लोग ही बंदा अच्छा फ़ोन रख सकता है और हमारे आम बंदा जो है कि वो अच्छा फ़ोन भी नहीं रख सकता। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आप, हमारी हुकूमत भी इसमें कुछ क्या कहते हैं उनका करेक्टर है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बैकवर्ड की तरफ लेकर जा रही हैं कुछ अपने मुफाद के लिए, और जिसकी वजह से हम आईटी से बहुत पीछे होते जा रहे हैं, जबकि हमारी हुकूमत को इस चीज़ के लिए चाहिए। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिकली इनको जैसे प्राइवेट स्कूल में बचपन में ही वो आईटी का कोर्स रख देते, कंप्यूटर का कोर्स रख देते, इसी तरह गवर्नमेंट लेवल पे भी गवर्नमेंट स्कूल में भी ये हमारी चीज़ होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम भी आगे आम दुनिया के साथ तरक्की कर सकते। बिल्कुल सही सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है इंडिया जो है ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा, आने वाले सालों में आप इंडिया को कहाँ देखते हैं, यहाँ पर ही जहाँ पर वो अभी तक है या फिर और ज़्यादा तरक्की करते हैं? मैं इसके लिए एक वो कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, देखें हम सोचेंगे हम अपने पाकिस्तान की तरफ, हम भी यहाँ पाकिस्तानी, हम देखते हैं कि हम अपने आप को वर्ल्ड में किस लेवल में देखना चाहते हैं। अगर मैं इंडिया या अमेरिका उनको देखूँ, वो तो ग्रोइंग एज के चल रहे हैं, वो तो एक स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, मैं यही करूँगा कि हमें एज अ बींग पाकिस्तानी हमें अपने मुतालिक सोचना चाहिए कि हम अपने आप को 10 साल बाद या 5 साल बाद आईटी में किस लेवल में देखना चाहते हैं। अब देखें जो बड़ी बेची जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब इंडिया के पास हैं और वो ऑपरेट भी वही खा रहे हैं और उसका बेनिफिट प्रॉफिट भी वही खा रहे हैं, और जबकि हम इस चीज़ की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं कि हम नहीं इस चीज़ को कर सकते। देखें वो भी इंसान है जो इस चीज़ को कर रहे हैं और हम भी इंसान हैं, अगर हमें बेसिकली सपोर्ट मिले और हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे तो मेरे ख्याल में कि हम भी अपने आप को इंडिया से ज़्यादा आगे देखना पसंद करेंगे अगले 10 ईयर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? शाहरुख खान। शाहरुख खान। चलो आपको इंडिया का सवाल पूछती हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपको क्या लगता है आईटी सेक्टर किसका ज़्यादा अच्छा और किसका इम्प्रूव है? वो इंडिया का ही बेस्ट है। अच्छा शाहरुख खान है, मतलब इंडिया का ही आपने कहना है? जी जी जी। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आपको पीछे की क्या वजूहत लगती है कि इंडिया जो है वो डे बाई डे आईटी सेक्टर को ज़्यादा इम्प्रूव कर? वो असल में ना वो उस पर ज़्यादातर वर्किंग करते हैं बहुत ज़्यादा आईटी वाले, और जो है ना वो बच्चों को ज़्यादातर फैसिलिटी देते हैं, तो इससे जो है ना वो लोग बहुत आगे जाए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है इंडिया अभी आने वाले सालों में कहाँ आप देखते हैं? इंडिया यकीनन आगे प्रोग्रेस करेगा, तरक्की करेगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, तो इंडिया अगर इसी तरह मेहनत करता रहेगा, इसी तरह स्ट्रगल करता रहेगा और टेक्नोलॉजी का यूज़ करता रहेगा तो डेफिनेटली इंडिया हमसे आगे जाएगा और पाकिस्तान ऐसे पीछे आता रहेगा।
अच्छा मुझे ये बताइएगा सर कि इंडिया, अगर आप कहते हैं कि इंडिया आईटी सेक्टर में आगे है, तो आपको नहीं लगता कि आईटी सेक्टर के साथ साथ एजुकेशन को अगर देखा जाए, क्योंकि एजुकेशन मेन पर्पस है आईटी को भी इम्प्रूव करने का, तो आपको नहीं लगता कि एजुकेशन में भी इंडिया वर्सेज पाकिस्तान एज कम्पेयर टू हम पीछे हैं? बिल्कुल ऐसे ही, एजुकेशन में भी हम पीछे हैं, तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इन चीज़ों में आगे होना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी मैं सबसे ज़्यादा मुहिबुल वतन हूँ, मैं अपने मुल्क का नाम सबसे आगे लूँगा, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, क्योंकि इंडिया आगे है तो इंडिया को हम आगे कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें अपने मुल्क की, क्योंकि ये ना हो कि इस इंटरव्यू के बाद मुझे मेरी पाकिस्तानी आवाम ही गालियाँ देना शुरू हो जाए, तो मैं ये तो नहीं बर्दाश्त करूँगा, क्योंकि मैं एक खुद मुहिबुल वतन हूँ, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। हम लोग पीछे हैं, हम लोगों को इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए, हमें अपने जितने भी पॉलिटिशियंस हमारे हुक्मरान हैं उन लोगों को अकल मौत आनी चाहिए, क्योंकि मेरा बस चले तो मैं सबसे पहले जितने भी हमारे हुक्मरान हैं उनको मारने का ऑर्डर दे दूं, उसके बाद नई हुकूमत आए, नए हमारे हुक्मरान आए जो हमें आगे लेके जाएं, ना कि हमें गुलामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करें, क्योंकि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उन्होंने हमें यही चीना सिखाया कि जी गुलामी की ज़िंदगी गुजारो, गुलाम बन के रहो। लेकिन अल्लाह का शुक्र अब लोगों में शऊर पैदा हो गया और उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा और इंडिया से आगे जाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पर आई टी सेक्टर पर काम नहीं कर रही? नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है ना इसमें हम इतना आइडिया नहीं है, लेकिन शायद लेकिन इंडिया वाली सेक्टर जो है ना बेस्ट है वहाँ पे। आपको क्या लगता है कि बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जाए ज़्यादा, आईटी सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, तो आपको क्या लगता है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्री के लिए आगे बढ़ के ग्रो करते हैं, काम करते हैं? जी बिल्कुल, क्या जो है ना पाकिस्तान के लिए काम करे और हमारा पाकिस्तान सबसे आगे निकल जाए। आपको क्या लगता है आईटी सेक्टर जो है वो किसका इम्प्रूव है, किसका अच्छा है? इंडिया का आपको क्यों लगता है पीछे की क्या वजूहत लगती हैं जो डे बाय डे इंडिया जो है आईटी सेक्टर के अलावा भी बाकी सेक्टर्स को भी इम्प्रूव कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, और दूसरे लिहाज से देखा जाए तो वहाँ पे टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, पाकिस्तान में टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे लिहाज से तो इंडिया ही है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है पीछे है, आने वाले सालों में क्या पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? ज़रूर, अगर देखा जाए तो इमरान खान की हुकूमत में ज़रूर बढ़ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इंडिया जो है वो एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा आगे है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है आने वाले सालों में आप कहाँ देखते हैं इंडिया को? इंडिया को और पाकिस्तान को जो तो 1947 से देखते आ रहे हैं कि उन दोनों का मुकाबला रहा है, लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले के लिहाज से तो इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है, वो तरक्की के लिहाज से भी काफ़ी आगे है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, तो इंडिया जैसे कि हमारी इंडस्ट्री भी डेड हो चुकी है इंडिया की, अभी आप देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री जो है हाईफाई है हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो इस तरह कोई इसी चीज़ के हवाले से हमारे अदारे जो है ना कोई भी फोकस नहीं कर रहे, फोकस बिल्कुल नहीं है, तो इनको चाहिए फोकस करना चाहिए ताकि हम भी जो है ना इन चीज़ों के वाले से हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो फ़ायदा उठा सके। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन और आईटी दोनों को बहुत ज़्यादा पीछे रखा गया है, जबकि आप देखते हैं कि एजुकेशन जो है अच्छा हो तो आईटी सेक्टर भी उसके बहुत बहुत ग्रो करता है, और अब पाकिस्तान के अलावा अगर एज़ कम्पेयर टू इंडिया देखा जाए तो इंडिया में आपको बताया एजुकेशन और आईटी दोनों बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है, तो एजुकेशन के बारे में आपका क्या कहना है? एजुकेशन इधर आजकल जैसे कोरोना आया हुआ है, देख रहे बच्चा अभी स्कूल जाएगा तो कोई आईटी के हवाले से सीखेगा ना, तो इधर प्रॉपर जो है ना हमारी जो न्यू जनरेशन है ना उनके ऊपर प्रॉपर जो है ना उनके ऊपर कोई नज़र नहीं है, उन पर नज़र की जाए इस हवाले से कि वो एक इंसान है। मैं आपको छोटा सा ना एक बताता हूँ कि जैसे कि हमारे इधर ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो हम मोबाइल की बैटरी बाहर निकाल लें ना तो चाचा नंगदा कहता है ऐ कर दे, वो बच्चा उत ही घुट जाता है कि इंज का कम नहीं मैं कोई करना, मतलब कि एक टैलेंट जो किसी का होता है वो टैलेंट निकालना चाहिए, वो अपना खामोशी से बैठ के वो एक चीज़ सोचता है, सोच के वो चाहता है कि यार मैं इस तरह का कुछ बनाऊं तो जो है ना वो आने वाली जो लोगों को फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो और आने वाले लोगों को भी फ़ायदा हो। इधर यहाँ पर ना इस चीज़ के वाले से उल्लू कहना शुरू कर देते हैं उस बच्चे को, तो वो बच्चा कहता है मैं उल्लू ही हूँ तो मैं ये काम नहीं करूँगा, अब इस तरह ये गलत काम है, ये मुझे शायद नहीं करना चाहिए, उसके दिमाग में ये चीज़ है कि इंडिया में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा काम होता है हर चीज़। हाँ बच्चों को खुला छोड़ा हुआ है, जाओ कर लो जो करना चाहते हो, तो थोड़ा सा हाथ खुलना चाहिए हमारे बच्चों के ऊपर भी ताकि टैलेंट है इनके पास भी है अगर यूज़ किया जाए तो। थैंक यू सो मच सर। बस ठीक।